आज आठू सातू के पर्व के मौके पर मैं अपने गांव आया हूं, ठाल गांव। ये मेरा मूल गांव है और ये हमारा कुलदेवता का मंदिर है पीछे। तो इस गांव में सदियों से आठू सातू के अवसर पर जो गौरा महेश्वर की पूजा होती है वो परंपरा चली आ रही है। तो आज मैं अपने इष्ट मित्र भाई बंधु और बिरादरों के बीच में इस त्यौहार का उत्सव मनाने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गौरा महेश्वर यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो अब हम जा रहे हैं सीधे धान के खेत में। धान और सौ से गौरा की प्रतिमा बनाई जाएगी जिसे डलिया में लेके गांव की महिलाएं गीत गाते हुए मंदिर के प्रांगण पर लेके आएंगे जहाँ पर बाद में गौरा को आज स्थापित किया जाएगा। जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा और जिसे लेके आए हैं वो लोग, उसके माध्यम से यहाँ पे गमरा का निर्माण किया जाएगा। धान और सौ के जो पौधे हैं उनसे यहाँ पे मानव आकृति बनाई जाती है। मानव आकृति विशेषकर गौरा की यहाँ पे आकृति बनाई जाती है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया जा रहा है। बाकी प्रकृति को समर्पित ये त्यौहार है जिसमें प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को लेकर ही माता का श्रृंगार किया जाता है, भगवान का श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है। श्रृंगार की वस्तुओं से जिसमें फल फूल हैं, अंग वस्त्र हैं, उससे गमरा को यहाँ पे सजाया जाता है। यहाँ पे उसके शरीर को आकार दे रहे हैं, उसका सर बनाया जा रहे हैं, उसके हाथ बनाए जा रहे हैं, दोनों हाथों का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। हमारी कुमाऊनी संस्कृति है, जो कुमाऊनी संस्कृति के आभूषण है उसके साथ यहाँ पर गौरा का श्रृंगार किया जा रहा है। ग्लोबंद पहनाने की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। गमरा को आप डलिया में रख के गांव की परिक्रमा करने के लिए लाया जा रहा है। सारी स्वागत महिलाएं उसे पूरे श्रृंगार में आकर जिस तरह जो आभूषण है अपने सर सज के आती है गमरा को यहाँ पर तैयार करके बारी बारी से सारी सभी सुहागिन है गमरा की टोकरी को सर पर धारण करते हैं और माता पार्वती की को विदा करने की जो परंपरा है आज उसे पूरे श्रृंगार के साथ सजाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक महिला का यहाँ पे दो दिन का व्रत होता है, सातू और आठू का, और जो भी व्रत रखती महिलाएं वो इस गमरा को सर पे रख कर खुशी का इजहार करती हैं। पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, खेल के जाते हैं और गमरा की जो डलिया आप देख रहे हैं एक दूसरे से के सर पर
स्थानांतरित कर रहे हैं और सभी बारी बारी से इसको अपने सर पर रख के उन पारंपरिक गीतों का यहाँ पर गायन करते हैं। आज अष्टमी है और कल सप्तमी थी। सप्तमी को माता गौरा को आपने देखा बना के महिलाएं, सप्तमी के दिन गौरा यानी पार्वती का निर्माण किया जाता है और उसे घरों में स्थापित किया जाता है। आज अष्टमी है, अष्टमी यानी आज महेश्वर यानी शिवजी को धान के खेतों में से जिस प्रकार कल गौरा का निर्माण हुआ था, आज भगवान शिव का निर्माण किया जाएगा। और गांव आज जो पारंपरिक हल्का सा खेल है, खेल लगाया जाएगा। अब मैसर भीना को गांव में ले जाने की तैयारी की जा रही है। मैं हमारे स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा उनवत्था गांव से आपके लिए इस आटू सातू का पर लेके आ रहा हूँ। बारिश हो रही है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है।